नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 410 ए जो रेफ्रिजरेंट है इसमें ए का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे एक चार्ट है आपके सामने या टेबल है आपके सामने। यहाँ पे मैंने 410 रेफ्रिजरेंट के बारे में जानकारी लिखी है। तो जो 410 सीरीज़ जो है, इस 410 सीरीज़ में दो रेफ्रिजरेंट आते हैं, मतलब 410 रेफ्रिजरेंट जो है ये R32 और R125 को मिलाकर बनाया जाता है। अब इस 410 में 410 ए, 410 बी, 410 सी ऐसे काफ़ी सारे रेफ्रिजरेंट बनाए जा सकते हैं। सब जो 410 रेफ्रिजरेंट है उसका जो कंपोजिशन होगा उसमें जो रेफ्रिजरेंट होंगे वो R32 और R125 ही होंगे, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है एक कंपोजिशन भिन्न भिन्न हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम 410 ए बनाते हैं तो जब ए यहाँ पर आ जाता है, कैपिटल ए जब यहाँ पर आ जाता है, तो कैपिटल ए के केस में जो R32 इस्तेमाल होता है वो 50% होता है और R125 जो यूज़ होता है वो 50% होता है। ओके, तो जब भी हम कहेंगे 410 ए तो ए का मतलब ये दोनों भी रेफ्रिजरेंट जो है 32 50% होगा और 125 50% होगा। अगर मुझे कंपोजिशन चेंज करना है, मतलब इसका जो परसेंटेज चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो 410 है ना, मैं अलग इसको नंबर दे दूँगा, इसको मैं नंबर दे दूँगा 410 बी। अब बी में इन्होंने क्या किया है, बी में सेम रेफ्रिजरेंट यूज़ किए। आप देख सकते हो बी में भी R32 है और 125 है, बट यहाँ पे जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो R32 जो है ये 45% यूज़ हो रहा है और R125 जो है वो 55% यूज़ हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया, ए में 410 ए में जो R32 यूज़ होता था वो 50% यूज़ होता था, 410 बी में R32 45% यूज़ हो रहा है, 410 ए में 125 जो है वो 50% यूज़ होता है, 410 बी में 125 जो है 55% यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज में यहाँ पे चेंज कर दिया, बाकी इसमें कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। सेम रेफ्रिजरेंट जो है उसका कंपोजिशन रहेगा 32 एंड 125, लेकिन परसेंटेज जो है उसमें जो ब्लेंड करते मिक्स करते इस मिक्सिंग के परसेंटेज में यहाँ पे चेंज किया है। इसके लिए इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं और सी में कुछ और कंपोजिशन होगा, मतलब रेफ्रिजरेंट ए ही होंगे लेकिन कंपोजिशन का परसेंटेज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इन 410 ए अपर केस ए डिनोट्स डिफरेंट इन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन कंपोनेंट। ये जो भी गिवन कंपोनेंट है 32 एंड 125, इसका जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को ए जो है अपर केस ए कैपिटल ए होता है वो डिनोट करता है। हिंदी में क्या लिखा है, 410 में या 410 ए में होना चाहिए यहाँ पे। ओके, 410 में ए कर देता हूँ, 410 ए में अपर केस ए, अपर केस जो ए है दिए गए घटकों की विभिन्न प्रतिशत रचनाओं को दर्शाता है, मतलब 410 ए जो रेफ्रिजरेंट है इसमें अपर केस ए, अपर केस मतलब कैपिटल ए, ये क्या दिखाता है, दिए गए घटकों की घटक कौन से, यहाँ पे दो घटक है R32 एंड 125, ये दो घटक है, इसके विभिन्न प्रतिशत रचनाओं को दर्शाता है, इसके जो अलग अलग परसेंटेज है परसेंटेज को दिखाता है। तो ए कहेंगे तो 32 50% ही होगा और R125 50% होगा, जब भी हम 410 बी कहेंगे तो R32 45% ही होगा और R125 55% ही होगा। आई होप आपको ये जो 400 सीरीज़ है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसमें ए बी सी इसका मतलब समझ में आ चुका होगा।